डूडस्ते, आज हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं खजाने की खोज में। और ये जो पीछे शिप है इसी से हम अपना मिशन स्टार्ट करेंगे। अरे कपड़े तो पहन ले, हमने कपड़े नहीं पहने। अरे मसा अंधे होकर इतना बड़ा चड्ढा पहना तो है, क्या बोल रहे हो? अपनी बकवास को बंद करो, चलो मिशन को स्टार्ट करते हैं। अरे देखो मेरे पास खजाने का नक्शा भी है और बाकी पायरेट्स को हराने के लिए हम लोगों ने चाकू और एक गन भी लिया। चलो फिर चलते हैं, जल्दी चलते हैं, किसी को शिप चलाना आता है ना? अरे मुझे आता है, मैंने पूरे 50 साल शिप चलाने की पढ़ाई की है। अरे खजाने का मैप पानी में गीला हो जाएगा, उसको अंदर रखो। अरे दोस्तों पता है ना मैंने 50 साल से ट्रेनिंग ली है शिप चलाने की। अरे शिप तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे हम लोग को शिप थोड़ी ना चलानी, शिप तो मसाओ चलाएगा, हम लोग को सिर्फ खजाना ढूंढना है। और दोस्तों शिप में नीचे पूरा घर है, आराम से हम लोग रह भी सकते हैं इसमें। अरे दोस्तों फिर अब तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं शिप चलाने जा रहा हूँ। ये आगे बढ़ा, ये। अरे पागल तुमने यही पढ़ा है क्या? पहले हमें पर्दा गिराना होता है तभी शिप आगे बढ़ेगा। अरे हाँ मैं तो देख रहा था तुम लोग को आता है कि नहीं। अरे दोस्तों अब हम लोग खजाना बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्लिप चला रहा हूँ ना। अरे मसाओ स्लिप नहीं शिप होता है। अरे अपनी बकवास बंद करो, सामने तुम्हारे दुश्मन है। अरे कहाँ है, कौन है? अरे वो देखो मैं अपनी दूरबीन से दिखाता हूँ। ओ माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक पायरेट लग रहा है। और हम तो अकेले ही हैं, ये तो 10-11 होंगे। अरे जल्दी मैं किनारे से निकाल ले चलता हूँ वरना ये लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। अरे दोस्तों मुझसे मुड़ नहीं रहे। अरे दोस्तों अब डरना बंद करो और अपनी गन तैयार करो और कैनन में बम भर दो, हम लोग इनके ऊपर हमला करेंगे। अरे पागल हम लोग इनको नहीं हरा पाएंगे। अरे दोस्तों मुझे शिप मोड़ना नहीं आ रहा, जल्दी गन निकालो, वो लोग बहुत पास आ गए हैं। अरे जल्दी से कोई मोड़ो, हमारी शिप उनसे क्रैश होने वाली है, ये लोग बहुत पास आ गए हैं। दोस्तों इधर सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग उन लोगों से फाइट करने के लिए मैं सबको उनके शिप में फेंक देंगे। अरे मुझे नहीं, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होने वाला। अरे वो लोग तो तोप से बम फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। अरे नोबिता तुम ही बताओ हमें क्या करना होगा क्योंकि तुम तो बहुत बार डोरेमोन के साथ खजाना ढूंढने जा चुके हो ना। अरे जल्दी से पतली गली से निकलो। अरे दोस्तों सामने वो आइलैंड है जिसमें खजाना है, चलो ऊपर चढ़ के देखते हैं। और दोस्तों सुनने में आया कि खजाने में कुछ बहुत अच्छी चीज है। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन यहाँ पे समुद्र में जंगली जानवर भी घूमते हैं। हाँ एक बार की बात है, एक बहुत ही खतरनाक शार्क। वो भी कहानी का टाइम नहीं है बच्चा। अरे देखो दोस्तों सामने खजाने को जमीन से निकालने के लिए तैयार हो जाओ। सामने कौन सा बदल है? अरे गेम बहुत खतरनाक है, छोड़ो इसको। चलो मैं उस आइलैंड की तरफ शिप को मोड़ लेता हूँ, मैं तो कैप्टन हूँ इस शिप का, तुम लोग मेरे ना करो। अरे एक बार खजाना तो मिलने दो, जैसे ही खजाना मिलेगा वैसे ही मसाओ को शिप से पानी में फेंक देंगे। और फिर मसाओ कोई मछली खा जाएगी और मसाओ का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। क्या कहा? अरे वो सब छोड़ो, देखो सामने आइलैंड आ रहा, थोड़ा सो ले। अरे सोने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे सो जाते हैं, शिप तो अपने आप ही चल रहा है। अरे ये क्या कर दिया, हमारा शिप तो आइलैंड से लड़ गया। पागल सोना है, मेरा शिप टूट गया है, इसमें पानी भर रहा है। अरे जल्दी पानी यहाँ से निकालो वरना हमारा शिप डूब जाएगा। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कहीं मैं फिसल ना जाऊं। अरे जल्दी से पानी निकालो, इसको बाहर फेंको। अरे रुको फेंकता हूं। अरे ये क्या, ये तो मेरा मुंह पे गिर गया। अरे हमारा शिप धीरे धीरे डूब रहा है, जल्दी करो। अरे हम लोग तो जल्दी कर रहे हैं लेकिन पागल मसाओ का अकल नहीं है। अरे तो टूट गया है। अरे जल्दी सही करो वरना खराब हो जाएगा सब कुछ। चलो चलते हैं इस आइलैंड पे अपने खजाना ढूंढने। अरे दोस्तों एक बार कंफर्म तो करो यही वो आइलैंड है कि नहीं जिस पे खजाना है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर खजाना है क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग निशानी दिख रही है। अरे हाँ मुझे भी लग रहा है, चलो जल्दी से अपना सामान निकालते हैं और अभी खोदना शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है इसके नीचे कुछ होगा, जल्दी खोदो ये। अरे ये कौन सा खजाना है? अरे ये क्या है, इसके अंदर से भूत कैसे निकला? अरे भूत तो कुछ नहीं होता। अरे भागो, भूत आ गया, जल्दी भागो। अरे दोस्तों ये वाला आइलैंड थोड़ी ना है, इसके बगल वाला आइलैंड है जिसपे खजाना छुपा था। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा वो जल्दी चलो, नहीं तो कोई और लूट लेगा उस खजाने को। हो सकता है खजाने में हमें लंबी सी शिप मिल जाए। अरे पागल एक शिप तो है ही, एक और लेके क्या करोगे? अरे देखो दोस्तों मेरी न्यू वॉच मेरे दादाजी ने मुझे दी। अरे मैं सोच में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे हटाओ, पता नहीं क्या लेके घूम रहा हो। अरे दोस्तों इधर आओ, मुझे एक अच्छी चीज दिखानी है, शिप में एक मैप भी है। अरे हम लोग खजाने के बहुत पास हैं। अरे शिप इतना हिल क्यों रहा है? बाहर चलो। अरे ये क्या है मम्मी मम्मा रे, ये कौन सा समुद्री राक्षस आ गया? इसका नाम क्रैकन है और ये 8 पैर का जानवर है और जिसके सामने भी आ गया उसकी मौत पक्की है। अरे हम खजाना कैसे ढूंढेंगे, क्या करें अब? अरे अभी वीडियो 4 मिनट का बना है और 10 मिनट का वीडियो तो बनाना ही, इसे हम लोग को बचना होगा। अरे पीछे देखो, इसने हमें अपने मुंह के अंदर बंद कर लिया है। अरे हम इसके मुंह में गुदगुदी लगाते हैं। अरे ये लोग तो हमारी शिप को खराब कर रहे हैं। रुको मैं कुछ करता हूँ। अरे क्या, इसने तो हमें फेंक दिया। अरे वाह सिंचन का आइडिया तो काम कर गया। अरे हमें शिप के पास जाना होगा, शिप के पास चलो। अरे दोस्तों क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये क्या, अरे बाप रे इसका पैर कितना बड़ा है, चलो इसे काट डालते हैं चाकू से। भागो यहां से वरना मैं तुम लोग को बहुत मारूंगा। अरे वाह ये लोग तो मसाओ से डर के भाग गए। मसाओ तो कैप्टन से कोई नहीं बच सकता, जो भी मसाओ के सामने आता है। अरे चुप रहो, हमारी शिप डूब रही है। अरे हमारा क्या होगा कालिया, अब तो हम भी समुंदर में अकेले रह गए हैं, हमारा शिप जा रहा है। अब तो हमें हमला ही करना होगा दोस्तों। अरे रुको मैं गन निकालता हूँ।
सास को गुस्सा क्यों दिला रहे हो? अरे अब यहाँ से भागो और कुछ मत करो। दोस्तों अब हम इससे बच नहीं पाएंगे, तुम हमें खा लो। अरे दोस्तों 100 साल से हम लोग आइलैंड ढूंढ रहे हैं, अब हम लोग को मिल गया है। अरे मैं सब अपनी एक्टिंग करना बंद करो। हाँ दोस्तों ये वही आइलैंड है, हमें इस मार्ग के पास जाना है। चलो अपनी लालटेन लेके चलते हैं। लेकिन दोस्तों संभल के, ऐसा भी हो सकता है कि और भी लोग खजाना ढूंढने आए हो यहाँ पे। अरे वो भूत तो यहाँ पर भी है। लाइट फेंक के मारो। और ये देखो इधर से वो भूत आ रहा है। अरे इसमें खजाना है क्या इसके अंदर? अरे ये क्या, इसके अंदर तो केला संतरा रखा है। अरे यही है क्या खजाना? अरे बंदर के लिए हम केला थोड़ी ना खाएंगे। अरे मैप तो देखो तब अकल आएगी ना यहाँ पे जाना है हमें। अरे पर इस मैप से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ इतने बड़े आयरन में हम लोग कैसे छोटे से एक्स को ढूंढेंगे? अरे डोंट फिकर, व्हेन मसाओ इज हियर, मैं हूं ना। मैंने इन सब चीजों की 100 साल की ट्रेनिंग की है, मैं तो सूंघ के बता सकता हूँ कि खजाना किधर है। और मसाओ ये तुम लंबी लंबी फेंक रहे हो ना, अगर खजाना नहीं मिला तो तुमको बहुत मारेंगे। अरे दोस्तों खजाना है इधर। चलो देखते हैं मसाओ सही कह रहा है कि नहीं। अरे इधर नहीं, इधर साइड है। हाँ इधर। अरे नहीं इधर भी नहीं, इधर साइड है। बस निकल गया, मरो इसको मरो। अरे हम लोग को पागल बना रहे हैं, तब से चलो हम लोग खुद ही सोच लेते हैं किधर है खजाना। ये एक्स यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इसका मतलब खजाना होगा यहाँ पर। तारा भैया अगर नहीं हुआ ना यहाँ पे तो आपको बहुत मारेंगे हम लोग। अरे ये क्या है, इतना बड़ा खजाने का बक्सा। चलो इसको खोल के देखते हैं। हाँ जल्दी खोलो, कैसे खुलेगा ये? अरे इसका बाद में खोलना, मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज मिली है, इसको शिप में रखो मैं दिखाता हूँ। अरे हमें इससे भी अच्छी चीज मिली है, जल्दी चलो। ये देखो यहाँ पे मुझे एक रास्ता मिला है और मुझे पता चला है कि इसके अंदर एक रास्ता है और उसमें बहुत सारा खजाना ही भरा पड़ा है। चलो फिर इसको खोलते हैं। अरे ये क्या, इसके अंदर तो एक खुफिया सुरंग बनी हुई है। अरे कहीं इसके अंदर कोई मॉन्स्टर तो नहीं है? अरे टारो भैया आपसे बड़ा मॉन्स्टर नहीं होगा, आप ही सबसे बड़े मॉन्स्टर हैं इस दुनिया के। अरे यहाँ पे तो मेरा है लालटेन निकलता हूँ। अरे बाप रे यहाँ तो खजाना ही खजाना भरा पड़ा है। ये क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ 1-1 रुपए के 100 सिक्के हैं, मेरे पास सिर्फ 100 ही रुपए हुए हैं। मसाओ पता नहीं क्या ढूंढ के लाया है। अरे दोस्तों जल्दी इधर देखो, हम लोग जो कल आइलैंड से खजाने का बक्सा लाया था उसमें कुछ हो रहा है। लगता है इस बक्से के अंदर कोई बैठा हुआ है। अरे दोस्तों मैं समझ गया, इसके अंदर आग लग रही है, जल्दी इसको हटाओ, इसको यहाँ से फेंको, इसको नीचे। अरे मैं नहीं फेंकूंगा खजाना। अरे कुछ नहीं होगा इसमें। अरे तो ब्लास्ट हो गया। अरे खजाना ब्लास्ट कैसे हो गया? अरे खजाना तो गया ही गया, ये पूरा शिप में आग कैसे लग रही है? अरे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अरे दोस्तों नीचे पानी है, जल्दी नीचे से पानी उस आग पे डालते हैं, आग बुझ जाएगी। हाँ वरना शिप थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि शिप में बहुत सारे बम रखे हैं। जल्दी से पानी निकालो और आग में डालो, जल्दी करो, आधी शिप में आग लग चुकी है। अरे पूरी शिप हमारी जल जाएगी और ये डूब भी जाएगी। अरे तो फिर जल्दी करो, पानी निकालो, आग में डालो, पानी निकालो, आग में डालो। अरे देखो दोस्तों सब धुआं धुआं हो गया, लेकिन हम लोगों ने आग तो बुझा दी है। अरे लेकिन ये फिर से कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे जल्दी इसको उठा के पानी में फेंको, जल्दी। अरे दोस्तों रात हो गई थी, लेकिन हम लोग के शिप से कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं। मुझे लग रहा है कोई और खतरनाक जानवर का इशारा है ये। नहीं वो ऑक्टोपस बहुत खतरनाक था, जानवर नहीं आना चाहिए, कोई समुद्री जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। यह तो कोई शार्क लग रही है, सारे जानवर मिलके हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? इस गेम में हमें खजाना कम और ये सब चीजें ज्यादा मिल रही है। ये तो बात छोटी है, इसे मैं हरा दूंगा। ए रुक शार्क, मैं एक कॉबॉय हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी गन से तुम्हें मार डालूंगा। अरे दोस्तों ये तो तब से अपने शिप के गोल गोल घूम रही है, कहीं हमें मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है? अरे मैं इसको इतनी सारी गन्स मार चुका हूँ, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब हमें इस कैनन का यूज करके मछली को हराना होगा। अरे भाई यहाँ तो टॉप है, मुझे तो पता ही नहीं था ये तो बहुत खतरनाक। अरे मसाओ बम चला क्यों दिया, एक ही था। हाँ, मछली तो हमें खाने जा रही है। अरे मछली ने तो हमारी आधी शिप और मेरा एक हाथ खा लिया। अरे हम तो पानी में गिर गए। अरे ये हमारा शिप कहाँ जा रहा है? शार्क तो हमारे पास आ गई। अरे मुझे मत कहो, मैं 6-7 दिन से नहीं नहाया हूँ। अरे वो तो चली गई। अरे दोस्तों हमारा शिप तो डूब रहा है, ये देखो पानी कितना ऊपर आ गया है। अब हम लोग कहीं के नहीं रह गए हैं। चलो मछली के साथ कोलैब कर लेते हैं, वैसे भी हम लोग का यहाँ कोई नहीं है। अरे दिमाग कहीं गिर गया या फिर मसाओ की तरह दिमाग है ही नहीं, हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे। अरे सुबह हो गई, पर ये नीचे क्या है? और यहाँ पर तो हमें खाने के लिए बहुत सारे शार्क आ गए हैं। काट लिया, मर गए। अरे दोस्तों शार्क ने तो हमारा सारा खजाना ले लिया। लेकिन हम लोग को एक डूबा हुआ शिप मिला है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। पता नहीं कौन से अमीर पायरेट का शिप होगा, चलो हम लोग इसका सारा खजाना लूट लेते हैं। चलो फिर से अंधेरे में उनका डूबा हुआ शिप खाली कर देते हैं। कहीं जो मर गए शिप में उनकी आत्मा तो नहीं है? अरे देखो दोस्तों इनकी शिप में चमकदार सा डायमंड भी है। और यहाँ सामने क्या रखा दोस्तों? अरे तो कोई बहुत ही खतरनाक जादू हथियार लग रहा है। अरे मैं इसे यूज करके देखता हूँ ये क्या है। अरे ये क्या होने आ रही है, इससे तो हम किसी को भी उड़ा सकते हैं। चलो इसको इसके ऊपर यूज करके देखते हैं। अरे थोड़ी देर और बड़ा करते हैं और ये लो। अरे क्यों तो मर गया। अब मिली कुछ काम की चीज, चलो इसको अपने शिप में रख लेते हैं। अरे देखते हैं इनके शिप में और भी अच्छी चीजें मिल सकती हैं दोस्तों। अरे शिप के अंदर तो खजाने का बक्सा भी है। अरे वाह आखिरकार हमें हमारा खजाना मिल ही गया। अरे जल्दी निकलो यहाँ से वरना कोई मछली आके फिर से हमारा खजाना लूट लेगी। रुको मैं देखता हूँ खजाने में क्या है। ओह माय गॉड ये क्या है, अरे बाप रे। अरे शिनचैन क्या हुआ, क्या है बक्से के अंदर? बक्सा खुल नहीं रहा है। अरे हम लोग बहुत कम
कमजोर हैं, 100 सालों से बंद ये बक्सा हम लोगों से नहीं खुलेगा। इसको हम लोग को एक पहलवान से खुलवाना पड़ेगा। अरे अंकल, ये खजाने के बक्से हमसे खुल नहीं रहा, आप खोल दीजिए, आप बहुत ताकतवर लग रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये अंकल बता रहे हैं कि इसमें फायर क्रैकर्स है इस बक्से में। क्या पढ़ाते? अरे मसौर रुको, इनको दूसरा वाला बक्सा भी खुलवा लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अरे अंकल, इस वाले बक्से को भी खोल के बता दो इसमें क्या है। अरे वाह, इसके अंदर तो पैसे निकले हैं। ये आखिरकार मेरा शार्क से लड़ना, ऑक्टोपस से लड़ना सफल हुआ। चलो फिर पार्टी करते हैं। दोस्तों, में शिप के अंदर से क्या मिला? चलो इसको अपनी तोप में डाल के देखते हैं। और फिर करते हैं फायर। बेबी ये क्या है? अरे वाह, ये क्या, ये तो पड़ाके। हम लोगों ने स्वीडियो में बहुत मेहनत की, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और कोई कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।